झारखंड में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने झंडा तोलन कर मीडिया को संबोधित किया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गणतंत्र दिवस को संविधान के लागू होने पर इस महापर्व को मनाते हैं। हमारा देश लोकतंत्र का स्तंभ है, लेकिन आज जो चुनौतियां संविधान को बचाने का आई है और जिस प्रकार से लगातार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार हो रहा है, इस पर हम लोगों को रक्षा करनी चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पे क्या संदेश होगा? देखिए, ये 74वां हम लोगों का जो गणतंत्र दिवस है, इसको हम लोग संविधान के लागू होने पर इस पर महापर्व को मनाते हैं। हमारा देश सार्वभौम और लोकतंत्र का एक स्तंभ है, लेकिन आज जो चुनौतियां हैं संविधान को बचाने का और जिस प्रकार से लगातार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार हो रहा है, तो आज के दिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने संविधान की रक्षा के लिए, जो हमारे पुरखों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए जो बलिदानी दी, जो हम लोगों के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम किया, एक लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार के लिए काम करने का जो कर्तव्य सिखाया, उसको बचा के रखना है, उसको अक्षुण रखना है। उस चुनौती के साथ आज हम लोग गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। हमको लगता है कि आने वाले दिनों में हमारा संविधान हमें और भी ताकत देगा कि इस लोकतंत्र को हम लोग सुदृढ़ कर पाए। सर, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, आज हमारे देश ने जो गणतंत्र दिवस है वो 74वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया है और 74 वर्ष हो गए हमारे देश के गणतंत्र को। हम लोगों को अपने देश के संविधान, अपने देश के गणतंत्र पर हम लोगों को फख्र है और हम लोग हमेशा से ये प्रयास करते हैं कि हमारा देश का गणतंत्र वो सुरक्षित रहे, लोगों में आपसी भाईचारा बना रहे और पहले से ज़्यादा हम लोग इसको मजबूती प्रदान करें ताकि इस देश में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और हर देशवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।